हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और सुबह का 8 बजे, आज मैंने कई दिनों बाद सुबह 8 बजे नहाया है, क्योंकि जैसे पैर वाली दिक्कत थी तो कभी 11 कभी 10 10 11 ऐसे नहाना होता था। आज मैंने थोड़ा जल्दी नहा लिया, नहीं तो मेरा रहता ना कि मैं 5 बजे तक नहा धो के फ्री हो जाती हूँ। और भाभी चाय चाय वगैरह बना रही है, ये पूजा कर रहे थे। मैं नहा के बस जस्ट अभी आई हूँ नहा के। कई दिनों बाद ये पूजा कर लें तो थोड़ा सा जाते हैं मंदिर, अभी मत्था टेका जाके थोड़ा ठीक हो गया। चलिए करते हैं ब्लॉग की शुरुआत, देखिए आगे आगे क्या बनता है, भाभी क्या बनाती है आपको दिखाते हैं। क्या बन रही है? आलू की पकौड़ी। बारिश का मौसम, कल से बारिश लगी हुई है, शाम से अभी तक बंद नहीं है, बारिश खूब हो रही है। और बारिश के मौसम में पकौड़ी वकौड़ी खाना बड़ा अच्छा लगता है। और जब बनी बनी मिल बनी बनाई मिल जाए ना तो उनका आनंद दोगुना हो जाता है। बनी बनाई पकौड़ियाँ और अच्छी लगती हैं। बन रही है कुंदरू की सब्जी, और दूसरी तरफ फिर से बन रही है पकौड़ियाँ, क्योंकि चाहत लात ले रहा था, उसने खाई नहीं थी, उसके लिए गरम गरम पकौड़ियाँ दोबारा से बन रही हैं। टीवी मत देखना, टीवी देखना ना। देखें यहाँ पड़े हैं कुछ बर्तन एक्स्ट्रा, जो बड़े बर्तन थे, ये जगह बर्थडे गर्ल था तो उन्होंने लिए थे मांग के। और ये देखो पढ़ाई करके गए हैं, गद्दा बेडशीट पता नहीं सब कहाँ क्या है, बहुत फैलाते हैं। चलिए इसको समेटते हैं और ये बर्तन जो बड़े वाले हैं इनको दीवान में डाल देते हैं। एक नीचे दीवान पड़ा उसमें डाल देंगे। मैं रोटी बनेगी तब खा जाएगी, पहले खा जाएगी तब खा ही जाएगी, रोटी बनेगी नहीं। तुम लेट Thank you.
नहीं मान सकती है। मोटर चला दो भाई। पापा मोटर चला दो। चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। चला दी तुम क्या वन टू आखिरी नंबर। वन टू आखिरी नंबर। क्या पढ़ रही हो? वन टू आखिरी नंबर। वन टू आखिरी नंबर। सो तीन दिन से लगातार बारिश हो रही थी और अब मौसम जो है वो एकदम हो गया है साफ। देखो अभी हाँ नहीं अभी साफ है मौसम। देखो अभी साफ है, बादल हैं थोड़े बहुत लेकिन अभी सही हो जाएगा सब। शाम अभी है शाम का टाइम और हम लोग जा रहे हैं मंदिर पूजा करने के लिए। तो चलिए दिखाते हैं मंदिर के लिए। हम और अर्पिता गए थे दोनों लोग साथ में। तो फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए चल के। ये देखिए अभी हम गए हैं प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो ये हैं बड़े बाबा, ये गए हुए हैं मैहर माता जी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए इन्होंने छोटे छोटे कुछ वीडियोस भेजे थे तो वो हमने इसमें लगा लिए कि आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। Thank you.
बताओ मैं बताओ।